हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर की टुडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बात करेंगे इसके टारगेट के ऊपर, जो भी यहाँ पे न्यूज़ रहने वाली है सभी न्यूज़ पे हम वन बाई वन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट यहाँ पे हम आ चुके हैं लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर एंड यदि आप आज का यहाँ पे प्राइस देखें तो 1.35 रुपये तक लगातार यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं एंड 1.05 रुपये का इसने जो सपोर्ट बनाया था। देन फिर उसके बाद यदि आप यहाँ पे बात करें तो लगभग यहाँ पे 6 अपर सर्किट अभी जस्ट लगते हुए देखने को मिले हैं एंड अपने अपर सर्किट के साथ 1.35 रुपये पे एक अच्छे प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है। साथ साथ यदि आप इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करें तो 1651 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुँच चुका है। NSE पे बात करें तो NSE के पोर्टल पे आज के दिन 1.30 रुपये पे बंद होने को दिखा, जबकि VSE पे 1.35 रुपये। तो यहाँ पे जो अभी भी डिफरेंस है वो 5 पैसे का डिफरेंस है, वो आने वाले समय में आपको यहाँ पे पूरा होने को दिख सकता है। साथ साथ यदि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, लगातार अपर सर्किट लगे हैं 1.05 रुपये के बाद, इसमें गिरावट उतनी नहीं देखने को नहीं मिली जितने की ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आप आज के दिन का ग्राफ देखें तो आज के दिन वैसे भी पूरे दिन भर यहाँ पे पॉजिटिव में रहा है, लोअर सर्किट कभी भी आज के दिन देखने को नहीं मिला, किसी भी टाइम एनी टाइम यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को नहीं मिला है। साथ साथ यदि बात करें फॉरम सेंटीमीटर पे आज के दिन अभी के दिन यहाँ पे 77% लोग यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में बता रहे हैं, 13% लोग सेलिंग की बोल रहे हैं, 10% लोग अभी भी यहाँ पे होल्डिंग की सलाह दे रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे जो इन्वेस्टरों के बीच क्वेरीज चल रही है, जो न्यूज़ चल रही है, वो यहाँ पे एक इन्वेस्टर है वो लगातार यहाँ पे बोल रहे हैं रिटेलर गेट ट्रायर ऑपरेटर विल मूव दिस स्टॉक, ऑपरेटर यहाँ पे स्टॉक को इसको मूव कर रहा है एंड साथ साथ इनके द्वारा जो यहाँ पे टारगेट दे रखे हैं 2.80 रुपये से 3 रुपये तक के इन्होंने यहाँ पे टारगेट दे रखे हैं। सेकंड यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बता रहे हैं ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर नेवर गेट अगेन, नाउ इट्स अवेलेबल अवो प्लस नेक्स्ट 2 मंथ, लास्ट नेक्स्ट यहाँ पे 2 मंथ में ऊपर की ओर आपको जाने को दिखेगा, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपर सर्किट की रैली यहाँ पे स्टार्ट होने को अभी आपको दिखेगी एंड ये 4 रुपये तक ऐसे ही अप मूव देखने को आपको मिल सकता है जब तक कि इसके टारगेट 4 रुपये तक अचीव ना हो जाए। साथ साथ आपका इसमें क्या मानना है आप नीचे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके साथ यदि आप इसके सबसे बड़े इन्वेस्टरों के बारे में देखें तो इसमें तीन यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। आप बोल सकते हैं कि इन ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन बैंकों से सबसे ज़्यादा लोन के रूप में पैसा उठाया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट यहीं पे सबसे ज़्यादा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा स्टेक 12% से ज़्यादा का स्टेक ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर का रख रखा है। 26 जुलाई को यहाँ पे जो डेट है 5G स्पेक्ट्रम डीलिंग की, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आ रही है पूरे 5G सेक्टर में, जिस कारण से 1 वीक के अभी रिटर्न 8% से ज़्यादा के पहुँच चुके हैं। थोड़ी लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखें तो वो अभी पॉजिटिव है, बट यदि आप मिड टर्म के रिटर्न देखें 1 ईयर 6 मंथ एंड 3 ईयर, वो अभी यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा है। साथ साथ यदि डिलीवरी एंड वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो आज के दिन 9 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लगातार इस शेयर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यदि आप 1 मंथ के एवरेज में देखें तो 7 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम था, उसके बाद यदि आप 1 वीक के एवरेज में देखें तो 8 करोड़ शेयरों का था, उसके बाद कल के दिन 10 करोड़ एंड अभी 9 करोड़, तो लगातार यहाँ पर ग्रोथ होने को दिखी है वॉल्यूम एनालिसिस में। एंड ऐसी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमारी चैनल के द्वारा की जा रही है कि 26 जुलाई तक आपको यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम डील को लेके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस पूरे सेक्टर में सामने निकल के आ रही है। साथ साथ उसी के साथ यदि आप 9 करोड़ जो यहाँ पे वॉल्यूम रहने वाला है वो VSE NSE दोनों का मिला के रहने वाला है। इसके साथ यदि डिलीवरी चेक करें VSE एंड NSE की, तो NSE के पोर्टल पर जो डिलीवरी आज के दिन उठने को देखने को मिली है 3 करोड़ से ज्यादा शेयर क्वांटिटी ट्रेडिंग में लाए गए, जिसके कारण यहाँ पे 1.22 करोड़ के शेयर यहाँ पे डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए, 40% से ज्यादा की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई NSE के काउंटर पर। साथ साथ यदि बात करें हम यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे जो बात है प्रमोटर्स के पास अभी भी इसका 3.33% का स्टेक है एंड बात करें FIIs की, तो FIIs के पास अभी भी इसका कुछ स्टेक 1.38% का, जबकि FIIs ने लास्ट क्वार्टर के बेस पे इसमें कुछ स्टेक कम जरूर किया है। DIIs की बात करें तो DIIs के पास अभी भी एक बहुत अच्छा स्टेक 49% से ऊपर का स्टेक DIIs के पास सामने निकल के आ रहा है। उसके साथ यदि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास अभी 45% से ऊपर का स्टेक यहाँ पे है। इसके साथ यदि आप यहाँ पे देखें तो हम इसको बोल सकते हैं वेल मेंटेन्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी इस कंपनी का निकल के आ रहा है। ये मार्च यहाँ पे 2022 का लेटेस्ट चार्ट होल्डिंग पैटर्न है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्रमोटर्स के पास जो 3.33% का स्टेक है एंड प्रमोटर्स ने इसमें से भी 100% का जो स्टेक है वो यहाँ पे प्लेजिंग कर रखा है एंड इसके बदले में इन्होंने कुछ पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए उठा रखा है, जिस कारण से यहाँ पे एक थोड़ी सी नेगेटिविटी प्रमोटर के प्रोस्पेक्टिव से जरूर यहाँ पे सामने निकल के आती है। साथ साथ यदि आप प्रमोटर्स में बात करें तो ZHC
GHPL ग्लोबल होल्डिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के पास सबसे बड़ा स्टेक 3.33% का स्टेक यहाँ पर सामने निकल के आता है। एंड ZTL लिमिटेड के पास छोटा सा स्टेक इस कंपनी का जरूर यहाँ पर है। उसके साथ यदि बात करें FIIs की तो FIIs के पास 1.23% का स्टेक है। ELM Park Fund Limited के पास 1.23% का स्टेक यहाँ पर सामने निकल के आता है। FIIs की बात करें, DIIs की बात करें तो DIIs में ये सभी प्राइवेट बैंक हैं, कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, टॉप थ्री यहाँ पर बैंक हैं जिनके पास सबसे बड़ा स्टेक DIIs के प्रोस्पेक्टिव से सामने निकल के आता है। एंड फोर्थ यदि बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक, ICICI बैंक, कैनेडा बैंक मुंबई एंड बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस इंडिया, IFCI सभी के पास यहाँ पर 2-3% से ज़्यादा का स्टेक सामने निकल के आ रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक के पास यहाँ पे थोड़ी सा ज़्यादा स्टेक 5% से ज़्यादा का स्टेक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इन सभी बैंकों के पास एक बहुत अच्छी यहाँ पे क्वांटिटी में माल रखा हुआ है, जो यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिविटी तो इंडिकेट करता ही करता है। साथ साथ अभी हम चलते हैं लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। उसके पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पब्लिक की यदि बात करें तो पब्लिक में जो सबसे ज़्यादा स्टेक है वो है वॉडीज कॉरपोरेट्स के पास, 1.65% का स्टेक है। इसी के साथ यदि HUF की बात करें तो इसके पास 1% से नीचे का स्टेक है, 0.97। यहाँ पे NRI नॉन रेसिडेंस इंडियन के पास 0.94%, फॉरेन कंपनीज के पास 0.84। इस तरह से यदि आप यहाँ पे देखें क्लियरिंग मेंबर 0.5% से ज़्यादा का स्टेक। एंड बात करें डायरेक्टर एंड डायरेक्टर रिलेटिव्स के पास यहाँ पे 0.07% का स्टेक, सभी लोगों के पास इसमें स्टेक है, ट्रस्टी के पास भी है। एंड यदि बात करें तो इन सभी के पास यहाँ पे थोड़ा मोड़ा स्टेक सामने निकल के आता है। साथ साथ यदि बात करें अभी हम AMO सेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में एक बहुत बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लगी हुई है, जो 1.30 रुपये पर काफ़ी बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी, 2 करोड़ से ज़्यादा के शेयर आज के दिन बाइंग में लगे हुए हैं, 2,29,650। यदि मैं आपको लास्ट ट्रेडिंग टाइम से यहाँ पे बता दूँ, मैं लगभग इसको 1 साल से यहाँ पे नोटिफाई कर रहा हूँ, जबकि 1.30 रुपये ये जो प्राइस है, इतनी बड़ी क्वांटिटी कभी भी इसमें बाइंग प्रेशर के रूप में नहीं देखने को मिली है ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटिटी 1 करोड़+ की ही देखी है बाइंग की अपॉर्चुनिटी में AMO सेक्शन में। AMO होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जब मार्केट बंद हो जाता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर के रूप में दर्ज होती है। जो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होता है वो यहाँ पे आस्क के नीचे होता है। यदि आप लंबे समय से इस चैनल के साथ हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ज्ञात होंगी, यदि नहीं है तो आप हमारी चैनल के साथ जरूर जुड़ें। उसके लिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर दें। साथ साथ यदि आप यहाँ पे देखें तो 1.30 रुपये पे बहुत बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया कभी भी देखने को इस शेयर में नहीं मिली। तो इस पूरे सेक्टर में साथ साथ ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ पे आप बोल सकते हैं पूरे सेक्टर में ही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको आने वाले समय में भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। साथ साथ इसके जो टारगेट्स की बात है, 4 रुपए के टारगेट्स तो यहाँ पे अचीव हो ही जाएंगे, इस साल के लास्ट तक के टारगेट्स के बहुत ही अच्छे रहने वाले। मैं यहाँ पे यदि इसके और भी टारगेट बताऊँ, इसका जो लास्ट ऑफ टारगेट हमारे द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो इसका फेस वैल्यू इस समय 10 रुपीज पे चल रहा है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन यहीं तक है कि यहाँ तक ये आपको इस साल के अंत तक देखने को मिल सकता है। यदि इसके आगे की बात करें तो इसके आगे फिर इसकी कहाँ तक जर्नी जाती है वो इसकी सेल्स एंड इसके रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे पता चलेगा आगे किस तरह से ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर जा सकता है। उसके लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर लें। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।